चौधरी और पवन सिंह। जी हाँ, स्टेज पर आग लगाने के लिए इन दोनों का नाम ही काफ़ी है। अब हम आपको ये बता देते हैं, ये दोनों ने इतने धमाकेदार तरीके से डांस किया कि यकीन मानिए लोगों ने सोचा नहीं था कि पवन सिंह, जो कि डांस में थोड़े तंग है, वो सपना चौधरी को अपनी डांसिंग स्किल से चौंका देंगे, उन्हें धूल चटा देंगे। जी हाँ, सपना चौधरी ने ये सुना था कि खेसारी लाल यादव के ठुमकों में पूरा भोजपुरी जहान हिलता है, लेकिन जब उन्होंने पवन सिंह के साथ डांस किया, उनकी एनर्जी देखी, उनके काम करने का स्टाइल देखा, तो भाई मुरीद हो गए। और तो और, सपना चौधरी ने यहाँ ये भी कहा कि वो पावर स्टार पवन सिंह के साथ फिल्मों में काम तक करना चाहती हैं, और हो सकता है कि ये दोनों आगे काम भी करें, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई अपडेशन नहीं है। आपको हम यहाँ ये बता दें कि पवन सिंह को तब सपना चौधरी ने चौंका दिया जब पवन सिंह उनकी तरफ गुलाल लगाने पहुंचे। इतने पर सपना चौधरी भड़क गई, और तो और पवन सिंह को लगा अब भाई ये शो तो बिगड़ गया। लेकिन ये क्या था, अब भाई पवन सिंह तो पवन सिंह ठहरे, उन्हें अपने लोगों को गुस्सा करवाना आता है, तो उस गुस्से को खुशी में बदलना भी आता है। झट से सपना चौधरी को उन्होंने मना लिया और स्टेज पर इन दोनों ने जमकर डांस किया, कभी सपना चौधरी के गानों पर तो कभी पवन सिंह के गानों पर, कभी फिल्मी बॉलीवुड गानों पर, ऐसे कई गानों पर इन लोगों ने तकरीबन 3 से 4 परफॉर्मेंस। सपना चौधरी को लगा कि पवन सिंह इतने ज़्यादा शायद डांस के शौकीन नहीं होंगे, लेकिन सपना चौधरी के लय ताल सभी पर खरे उतरते नजर आए हमारे पावर स्टार। वैसे आपको ये भी बता दें कि पावर स्टार रानी चटर्जी के साथ भी जल्द ही होली का प्रोग्राम करते नजर आएंगे। रानी चटर्जी यहाँ उनके फेमस सॉन्ग लहंगा लस लस करता पर उनके साथ ताल से ताल मिलाती नजर आएंगी। वैसे ये प्रोग्राम आज 26 मार्च को ही 7 बजे आएगा। यहाँ पर कुछ फैंस हैं जिन्हें कंफ्यूजन है, तो गोविंदा वाला जो प्रोग्राम है वो भोजपुरी सिनेमा पे आएगा, जो सपना चौधरी वाला और पवन सिंह का डांस है वो बिग गंगा पर आएगा। इसलिए सारी कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए और फटाफट अपने टीवी स्क्रीन को आगे 7 बजे बैठ जाइएगा और इन सारे प्रोग्रामों का आनंद लीजिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।